अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िया अली। शाम में फैज़ की खूबसूरत शाम के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ और मेरे साथ एक बहुत अच्छे मेहमान हैं जो कि पॉलिटिशियन हैं। सियासतदानों की अगर हम बात करें तो वो भी इंसान होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी के अंदर अच्छी बुरी उसके साथ शौक और चंचल बहुत सारी यादें शामिल होती हैं। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नईम आवान साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे बहुत मज़े की बातें करेंगे, कुछ सियासत में उनका आना कैसे हुआ उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नईम आवान साहब, आज बहुत सारी बातें आपसे वो करनी है जो पॉलिटिक्स की तो आप करते आ ही रहे हैं और करते हैं, लेकिन कुछ बचपन के बारे में और फैमिली के, फिर किस तरह से आपकी स्टूडेंट लाइफ गुजरी, किस तरह से पॉलिटिक्स में आए, इन सब पर बात होगी। आप तैयार हैं? क्योंकि हमने मैं हमेशा अपने नाज़रीन को कहती हूँ कि वो तमाम इंकशाफात और राज में उगलवाने की कोशिश करती हूँ जो लोग आपके बारे में नहीं जानते। तो मुझे कुछ अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ पर ब्रॉड अप हुआ आपका, कितने बहन भाई थे? बात ये कि बचपन तो माशाल्लाह से जो है वो हर बच्चे का ही अच्छा होता है, और जब बच्चा दुनिया में आता है तो उस वक्त ख़ास तौर पे एक अस्पताल हो या घर हो तो फैमिलीज़ के लोग इकट्ठे होते हैं, इस तरफ से मामू भी, इस तरफ से खाला भी, फूफो भी, और कहते यही हैं बच्चा हम पे गया है, हाथ उंगलियां मुझ पे गई हैं, फिर यहाँ से शोर होता है, नए जी लिप्स हम पे गए हैं, आइज़ हम पे गई हैं। और उस वक्त डिस्प्यूट चल रहा होता है उस कमरे के अंदर कि देखें नहीं जी नानी पे और ये दादी पर है, लेकिन वो 3 साल बाद कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता ये बच्चा गया किस पर है। कुछ मनवाई लेता है। वो 3 साल बाद जो बच्चा शुरू होता है ना गड़बड़ करना, जब वो अपनी हरकतें शुरू करता है तो फिर कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता ये बच्चा हम पे गया है। जो अगर मैं नईम आवान साहब की बात करूँ, ये किस तरह के बच्चे थे, कैसे परवरिश हुई, इस पर बताइए ना। परवरिश बहुत अच्छी हुई, 3 भाई हैं हम लोग, 4 सिस्टर्स हैं और 3 सिस्टर्स बाहर हैं बैरून मुल्क में, 1 सिस्टर पाकिस्तान के अंदर ही है। कराची में ही हुई? जी परवरिश मेरी हैदराबाद में हुई थी। अच्छा। और हैदराबाद में से 12 साल बाद फिर माइग्रेट करके कराची आ गए, पोस्टिंग हो गई मेरे फादर की कराची में, पहले वो आर्मी में थे, फिर आर्मी में 71 की 72 की जो जंगें थी उस वक्त लड़ी थी, उस वक्त आर्मी बहुत ज़्यादा थी तो उनको रिजर्व कर दिया गया था। अच्छा, तो पुलिस ज्वाइन कर ली। जी होती थी, इसका मकसद है माहौल किस तरह का था जब ब्रॉडअप हुआ? माहौल माँ की तरफ से होता है ना कि वो कुछ सपोर्ट कर रही हैं, फादर स्ट्रिक्ट हैं, आपको किसकी तरफ से ज़्यादा खतरा होता था? मदर की तरफ से सख्तियाँ थी, उसकी वजह ये थी कि फादर जो थे वो हमेशा की बात करते थे मदर के साथ कि बच्चे लाजमी सी बात है, मैं मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारीज़ हैं, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से निभाऊँ। बच्चों को आपने परवरिश आपने करनी है और कोशिश करनी है कि ये अच्छे बन जाएं आगे जाके। तो हमें पता है अच्छे तरीके से, जब हम मदर जब गुस्सा करती थी तो हमें जगह नहीं मिलती थी, लेकिन फादर के पास जब बैठते थे तो फादर हमें जो एक शरारतें किस तरह की करते थे? आप बचपन हो और फिर शरारत की बात ना हो, ये तो नामुमकिन सी बात है ना। शरारतें जी यानी बहुत ज़्यादा कोई यादगार शरारती टाइप बच्चे थे या कुछ एक होते हैं चुप छुरे भी होते हैं कि खामोशी से कोई शरारत की और फिर पकड़ा कोई और गया, ऐसे शरारती बच्चे थे? शरारती तो बात ये है कि बचपन की तो बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है, लेकिन ये याद है जब आँख खुली थी तो उस वक्त स्कूल की एक लाजमी सी बात, ऐसी लाइफ में थे जिस लाइफ के अंदर कोशिश कर रहे थे कि भागें स्कूल से और बचाएं स्कूल से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। फिर मुझे याद है 8वीं क्लास थी, 8वीं क्लास के अंदर थोड़ा सा ऐसा था कि वालदेन की तरफ से था कि पढ़ो, ट्यूशन भी पढ़वाते थे, फिर ये भी करो, लेकिन कोशिश होती थी स्कूल से जो है वो नागा करूं, नहीं तो भागूं स्कूल से। सब्जेक्ट कोई ऐसा था कि जिससे आप बोलते थे कि काश ये होता ही नहीं मेरी ज़िंदगी में, ये क्यों है, इसकी वजह से पढ़ना पड़ रहा है? उसमें एक मुझे याद है 8वीं क्लास में मैथमेटिक्स का और एक सिंधी का जो सब्जेक्ट था, उसका कभी बुखार आया आपको कि उसका पेपर है और उससे पहले एक रात पहले बुखार आ गया हो आपको? नहीं बुखार, बच्चों को आ जाता है बुखार तो नहीं आया, ये पता था कि बात ये जितना पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो जो दोस्त हैं सपोर्ट ज़रूर करेंगे स्कूल में ना, कम से कम क्लास में गेट टुगेदर जो था हमारा वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे। एक बड़ी अच्छी बात, एक रवायत ये थी 8वीं से, तो मुझे याद है कि 8वीं में 3 दफ़ा मैंने कोशिश की पास होने की। अच्छा, 3 दफ़ा कोशिश की। अच्छा, ऐसे जो बच्चे होते हैं ना उनके दोस्त भी बहुत होते हैं, तो फिर जब वो मुझे याद है कि 8वीं के अंदर फिर मुझे एक टीचर ऐसा मिला जिसने मेरे शोल्डर पर कहा बेटा सब ठीक है, सब ठीक है। जब सब ठीक कहा तो उसके बाद फिर 9वीं में माशाल्लाह से टॉप किया, फिर 10 के अंदर अच्छा, ए, फिर उसके बाद हाँ 11, 12 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फिर BBA किया, फिर उसके बाद जो है वो कुछ टाइम के लिए मैं बैरून मुल्क चला गया। ऐसी भी एज आई होगी ना जिस तरह ये शरारतों का पीरियड चलता है और उस वक्त इंसान सोच रहा होता है कि नहीं अब भाग जाओ, लेकिन जब आपको ये लगा हो कि नहीं एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में और मुझे उसको सीरियस लेना है, वो एहसास कब हुआ?
एहसास हुआ, मैंने बताया कि आठवीं के बाद मैंने आठवीं में रेगुलर जो है वो कुछ टाइम नहीं दिया, जब टाइम नहीं दिया तो मुझे टीचर ऐसा मिला ही नहीं, मेरा उस्ताद ही ऐसा नहीं मिला जो कहा है कि बेटा सब ठीक है, जो मिले डंडा दिखाते थे बोला ये देखो डंडा तुम्हारी खैर नहीं है। ऐसे टीचर बहरहाल ये जो उस्ताद होते हैं लादमी से बाप कर रखते हैं, तो बहरहाल ऐसा टीचर जब मिला, जब उसने मुझे समझा दिया कि बेटा सब ठीक है, सब ठीक है का मतलब ये कि आप बढ़ते जाओ निकलते जाओ, बहरहाल पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़ सके उतना पढ़ा। उसके अंदर ऐसा हुआ कभी स्कूल के अंदर कि बात ये है कि क्योंकि यूनियंस बहुत होती थी और क्योंकि पॉलिटिक्स ज़्यादातर अगर पॉलिटिशियन के बाप चली जाएं तो आपको ज़्यादातर यही मिलेगा कि वो बचपन के अंदर जो है ना बड़े शरारती रहे। खिदमत का भी उस वक्त बड़ा अज़म था, कॉलेज लाइफ में गए तो कॉलेज लाइफ के अंदर मुझे याद है जिस कॉलेज के अंदर हम थे वहाँ यूनियंस होती थी, यूनियंस जो है वो एक दो यूनियन पहले ज्वाइन कर ली थी या वो लीडरशिप आ गई थी कि नहीं मैंने आवाज़ करना है इन चीज़ों का, ऐसा कुछ हुआ था? बस वो अगर मैं क्योंकि सिंध में अगर आप जाएँ ना हैदराबाद के अंदर तो वहाँ जो ख़ासतौर पर कासमाबाद कॉलेज है, फिर इसी तरह के जामशो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो नया नया एक वहाँ कॉन्सेप्ट के हुआ था, मुख्तलिफ जमातों की वहाँ यूनियंस होती थी, तो वहाँ जी एस एन कौमी मास की भी थी, तरक्की पसंद पार्टी की भी थी, फिर इसी तरीके से MKM की भी थी, तो दीगर NP की भी थी, मुस्लिम लीग नून भी, तलबा लग, लेकिन उस वक्त मुझे याद है मैंने खुद एक यूनियन हमने मेंटेन की थी और उसमें से हम 20 लोग थे गिने हुए लड़के, तो हमारा मकसद ये था उस यूनियन को बनाने का, लोगों के जो है वो लोगों के जो है किसी काम आ सकें, लोगों के इश्यूज़ जो इश्यूज़ होते हैं कॉलेज के अंदर, रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं, एग्ज़ाम के, सीरियस हो चुके थे कि हाँ अब सीरियसली करना है सब कुछ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन फिर भी एक जवानी को जिसे कहा जाता है कि बड़ा जब यंग बॉयज़ होते हैं तो उनमें शरारतें भी होती हैं और समटाइम्स तो गर्ल्स कॉलेज या स्कूल्स के बाहर भी लाइन में लगते हैं, इस तरह की कोई शरारतें थी कि जो अब उसके ऊपर ये हुआ हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था, उस वक्त फ्रेंड्स ने कहा तो जाकर लाइन में लग गए, ऐसी भी तो कोई शरारत होगी? बहुत आसान था और मैं बड़ी शॉर्टकट से मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि अवान साहब आप कॉल नहीं उठाते हो, तो मैंने जवाब दिया मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, मैंने मिस कॉल पर शादी कर ली थी, तो बात ये कि मैं मिस हुआ है, तो ये तो बात ये कि मुझे जो है ना तुम कॉल का तो ताना मत दो ना कि आप कॉल नहीं उठाते हो, मैं तो भाई मिस कॉल पर जो है वो शादी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बात ये कि बहुत सारे बच्चे भी हो गए, तो वो जो टाइम था उस टाइम के अंदर लाजमी सी बात है जो चीज़ें नहीं समझ आती थी, लेकिन साथ जब आपके अंदर अपनी फैमिली के अंदर बहनें हों तो कोशिश ये हर आदमी ये करता है कि आज का किया कल सामने भी आता है, तो अवॉइड बड़ी चीज़ों से किया है। उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं देखिए एज के साथ, फिर वो नेचर वो टाइम होता है कि उस वक्त इंसान हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो ये जो सिलसिला हुआ, चले मैं लाइफ की तरफ आती हूँ, एजुकेशन की बात हुई, बचपन की हुई, हम पॉलिटिक्स पे भी कि किस तरह से हुआ, ये अभी जमातों की आपने बात की, तो किस तरह से शादी का मुझे बताइए कि किस तरह से हुआ, कि प्रपोज किसने किया, कैसे पहली मुलाकात हुई? असल में टाइम थोड़ा कम होता है, लाजमी सी बात इंसान जब पॉलिटिक्स की साइड पे आता है, फिर जब वो पॉलिटिक्स साइड पे आता है तो ख़ासतौर पे 18 से 20 साल की जो उम्र होती है उसमें मुझे अच्छे तरीके से याद है, अब तो लोगों को जब देखते हैं नौजवान बच्चों को तो वो क्रीम बालों में लगा के और वो स्टीन टाइट पेंट पहन के और टी शर्ट पहन के जो है वो एक टाइम होता है, फिर उसके बाद जब उसकी उम्र आती है 22 साल से लेकर 26 साल तक उसका टाइम होता है लाजमी सी बात है शादी का, फिर कमाने का टाइम आता है, कमाने का जो टाइम होता है आपने कब फैसला किया, देखिए ना बातें घुमाई जा रही हैं, आपने कब फैसला किया, कब ये हुआ कि हाँ कर लेनी है शादी, किस तरह से शादी कैसे हुई, लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अच्छा इसका जवाब मैं अभी देखें, ये जो शरारती मुस्कुराहट आई है ना, तो इसका मकसद है कि कुछ दाल में काला नहीं पूरी दाल काली है, इस पर हम बात करेंगे, ब्रेक का टाइम हो गया, देखते रहिए शाम में फैस, अभी वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम में फैस, हमारे साथ मौजूद हैं नईम अवान साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी मज़े की उनसे बातें हो रही थी, मैं उसी सवाल की जानब दोबारा से आना चाहूँगी और मैं आपसे पूछूंगी कि अभी ब्रेक पर हम चले गए और मैं आपसे पूछ रही थी कि ठीक है सारी चीज़ें चलती रहें, शादी का बताएं ना कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, किस तरह से हुआ आपने, क्योंकि मिस कॉल वाली जो बात बताई है ना उससे मैं ये सवाल करने पर मजबूर हो गई हूँ। असल में वो जवाब अगर मैं बात करूं तो मिस कॉल से मुराद ये थी कि बाय मिस्टेक मिस कॉल आई थी, फैमिली में मैंने शादी की है और लव मैरिज जो है वो हुई है, लेकिन वो लव मैरिज की जो स्टार्टिंग थी जो इब्तिदा थी वो बेसिकली मिस कॉल थी, मिस कॉल जो है वो आ गई थी और मिस कॉल आई, तो मिस कॉल का मतलब ये है कि मेरी अक्सर आदत रही है कि कोई आदमी रात को अगर मिस कॉल दे दे या कॉल करे और मैं ना उठाऊँ तो मैं उसको रिकॉल ज़रूर करता हूँ, मैं कॉल करके पूछता ज़रूर हूँ, तो वो मुकद्दर में जो चीज़ें लिखी थी अल्लाह ताला ने, बहरहाल वो मिस कॉल जो है वो बहाना बन गई
अब वो भाना ऐसी बनी जी, वो रहमत की कॉल हो गई। अब वो रहमत की कॉल ऐसे हो गई कि आज माशाल्लाह से अच्छा वक्त गुजर गया साथ। और जब नैनी मैं जवान हुआ तो उस वक्त मेरे वालिद ने कहा था बेटा लक्ष्मी चाहिए ना तो लक्ष्मी से बच के रहना। तो समझ आ गई आस्ते आस्ते कि बात ये है कि कुछ मामलात कहाँ किस तरफ लेके जाते हैं। तो फैमिली में शादी हुई और शादी तो बड़ी अच्छे से हुई। कॉल करना शुरू कर दी थी, पता चला ये तो हमारे खानदान की है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, जब लिया जाता है कौन है जी कहाँ से है तो फिर पता लग ही जाता है। जब पता लगा तो फिर एक मिस कॉल के बाद फिर वो तीन मिस कॉलें बन गई, फिर वो कॉल बन गई, फिर वो मैसेजेस बन गए, आखिरकार बात ये कि फिर वादा ही बन गई कि फिर लगा कि अब तो एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं हो सकता ये बस तो वो अब तो आप बाकी तो आप समझ जाएं। अच्छा तो फिर ये सारा सिलसिला हुआ, इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं ना जब वो कमिटमेंट्स बिल्कुल अलग होती हैं शादी से पहले की शादी के बाद, फिर इंसान चाह रहा होता है कि वही प्रायोरिटीज़ हों, कि आप अहमियत भी टाइम भी ऐसे दे रहे हैं, फिर आपकी फील्ड ऐसी, तो वो किस तरह से मैनेज किया, उस पर कुछ होती थी नोकझोंक आपस में? देखिए मैंने याद है मुझे क्योंकि हमारे जो रबते थे कॉन्टेक्ट थे वो दो साल तक कॉन्टेक्ट बने रहे, लेकिन लाजमी सी बात हर आदमी चाहता है कि घर में जो है वो वालदा, क्योंकि सबकी शादियां हो गई थी तो मैं एक छोटा भाई रह गया था, तो वालदा भी चाहती थी घर के अंदर घर आबाद हो जाए और लाजमी सी बात है अपनी आंखों सारी चीज़ों को वो देखें। तो मैं चाहता ये था कि थोड़ा टाइम मिल जाए, टाइम वक्त मिल जाए, क्योंकि लाजमी पॉलिटिक्स साइड पर आदमी जब जाता है सियासत में जाता है तो सबसे पहले मेरी ख्वाहिश ये थी कि यार मैं हर एक दुनिया के मौके अपने पूरे कर लूँ, जो चीज़ें इंसान को चाहिए होती हैं रोज़मर्रा रूटीन की, जो चीज़ें होती हैं गार्ड गाड़ी होती है फिर इसी तरीके से घर होता है। तो आप सोच सोच के पहले से तैयार कर रहे थे? जी हाँ, क्योंकि सोर्सेज देखिए मेन चीज़ होती है आपकी सोर्सेज, अगर आपके सोर्सेज नहीं है आपका, अगर आपकी रूलिंग नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। लाजमी सी पॉलिटिक्स तो इबादत का नाम है, सियासत में हमने तो कभी नहीं तो सोचा कभी ऐसा हुआ। मैं बैकग्राउंड की तरफ जानना चाहूँगी कि फैमिली में एक होता है ना कि मेंटली जो बेगमात होती हैं उनको अंदाज़ा होता है कि ठीक है पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या चले आप उनके सामने आए, वैसे फैमिली में था कोई या जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तालिबे इल्म में ही देखा आपने और फिर शौक बढ़ा, किस तरह से हुआ पॉलिटिक्स में आना? देखिए मैं पॉलिटिक्स के अंदर अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ, मेरे सख्त नाराज़ रही मेरी फैमिली, फिर शादी के बाद जो है वो भी नाराज़गी वाले मामलात बने, लेकिन एक हद तक वो भी नाराज़ जब हुए सोशल बायकॉट किया वालदेन ने, फिर इसी तरीके से बहन भाइयों ने, जब देखा ये आदमी इसने सुधरना नहीं है तो अब सुधरना नहीं है, अब लाजमी सी बात है अब इसने पीछे हटना नहीं है। फिर जब शादी हो गई तो शादी के अंदर हर फैमिली यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो दिया जाए, वक्त की कमी थी। तो मैं उस वक्त भी ये बात कहता था, बात ये कि मैं उस वक्त भी ये बात समझाने की कोशिश करता था कि टाइम दिया जाए, टाइम आ जाए, वक्त आ जाए। हाँ उसमें यह कि जब वो समझ गए पूरी फैमिली, फिर वाइफ भी समझ गई, फिर इसी तरीके से और जो सराउंडिंग में जो फैमिली रिलेटिव थे वो समझ गए कि एक आदमी है आप उसकी मतलब आप ये जुनून तक जाएगा ये आदमी ना, अब इसने सियासत को छोड़ना नहीं है, पॉलिटिक्स को उसने खैरबाग करना नहीं है। तो आखिरकार अब वही आज वही फैमिली है, कोई इवेंट होता है कोई प्रोग्राम होता है तो वो साथ साथ होते हैं, और जितना उनका साथ जब होता है उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मजीद यूनिटी पैदा तो होती है। कोई एडवाइस भी आती है बेगम की तरफ से कि कभी फंस गए हैं आप किसी चीज़ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इंसान काम कर रहा होता है तो एक फ्रेंड होता है अलग और एक होता है घर में जो लाइफ पार्टनर होता है, उनकी तरफ से कभी होता है कि आप डिस्टर्ब हैं, बोले यार अब समझ नहीं आ रहा, वो बोले कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं, या इन चीज़ों से बिल्कुल अलग रहती हैं? असल में शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक हुई, और उसके बाद क्योंकि वाइफ थोड़ा सा मजहबी घराने से उनका ताल्लुक था तो मजहबी घराने का ताल्लुक था और मैं थोड़ा सा अपना एक अपनी एक रूटीन थी, मुझे याद है कि मैं यहाँ से हम लोग चले गए थे शादी के फौरन बाद दुबई के अंदर, जब वो गए समंदर के किनारे तो वाइफ क्योंकि वो पहनती अबाया तो वहाँ जो लोग मौजूद थे वो भागना शुरू हो गए आगे पीछे, और मैं जीन्स पहन के वहाँ जब टी शर्ट में घूमूँ तो एक अजीब सा एक रवायत थी, बिल्कुल अलग ही थी, अलग ही एक मामला था। लेकिन हुआ ये कि अब वो शादी के बाद उन्होंने मजीद जो है वो कोशिश की कि पर्दे की तरफ और मजीद तरफ चले जाएं, लेकिन हमेशा ख्वाहिश ये रही कि आप टाइम नहीं देते हो, अब टाइम नहीं देते हो, मतलब टाइम तो मैंने पहले दिन कहा था कि टाइम तो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले भी यही बात हो रही थी घर पे कि हमें ले जाके जेल में बंद कर दो, दाल घर में भी दाल खाते हैं तो वहाँ भी दाल मिलेगी। तो बच्चों के बारे में है कोई कि या कोई शौक रखता है आपको देखते हुए कि हाँ हमने भी पॉलिटिक्स में आना? हाँ जी बड़ा बेटा मेरा जो है वो उमर अवान जो है उसकी ख्वाहिश है कि पॉलिटिक्स आने की, पॉलिटिक्स सेट पर आने की, लेकिन थोड़ा मैं अब जो चीज़ें देख रहा हूँ कराची की पॉलिटिक्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स सियासत जो है वो इस वक्त जो है वो ज़रूरियात बन चुकी है, लोग सियासत इबादत के नाम से करते हैं।
होंगे ना कि ये चीज़ें अगर रखनी है माइंड में तो फिर नहीं आना है, या आप बिल्कुल चाहते हैं कि वो आए ही नहीं पॉलिटिक्स? देखें, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि कभी मिला जुला रुझान होता है, कभी सोचता ये हो कि लाजमी सी बात है बच्चा मेरा पॉलिटिक्स की साइड पर आए, लोगों की खिदमत करे, लेकिन जब हालात देखता हूँ हालात देख के फिक्रमंद हो जाता हूँ। जैसे फैमिली फिक्रमंद होती है, ज़रा सा कोई इंसिडेंट हो जाए तो फ़ौरन कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। ख्वाहिश तो बहरहाल ये है कि चलें बच्चा एक पॉलिटिक्स साइड पर आए, और उसकी अटैचमेंट भी मेरे साथ ज़्यादा है। घर में कोई आ जाए मसाइल लेके मसले लेकर तो मुझे अच्छे तरीके याद है, वालदा कम सुनती है, सुनता हुआ ज़्यादा है। तो वो अभी से उसकी सूरत हाल ये कि सुन लेता है तो वो मुझे वीडियो कॉल करता है। वीडियो कॉल करके, कोई फैमिली बैठी हुई है तो वीडियो कॉल करके वो बताता है बाबा इनको इनके साथ ये प्रॉब्लम है, इनके बच्चे के साथ ये इशू हो गया था, ये इस फैमिली के साथ ये इशू हो गया था। तो बाकायदा उनकी पूरी डिटेल लेके अपने पास रख लेता है, और जब वो मुझे डिटेल दे देता है तो दो दिन बाद मुझसे चेक एंड बैलेंस रोकता है कि बाबा उसका मसला आपने हल किया था नहीं किया था। बाद में फॉलोअप भी चाहिए होता है उसका। जी हाँ, अभी अपने उसके कोई दोस्त हैं छोटे, तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ जो हमारे गार्ड्स हैं चौकीदार हैं या बेरोजगार हैं उनको निकाल दिया नौकरी से, तो वो मेरे पीछे पड़ गया, बाबा इनकी नौकरी आप लगा के थे, इन्होंने हमारा बड़ा जो है वो ख्याल रखा है। आखिरी में बहरहाल उनकी नौकरियाँ लगवा के छोड़ी उन्होंने बच्चों ने। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं पॉलिटिक्स में खुद का ताल्लुक, फिर उसके बाद अब बच्चे भी हैं, उसमें कभी किसी के बारे में आपने सोचा कि हाँ भाई इसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, या किसी का खुद शौक भी होता है बच्चों को, उसके बारे में बताएं? जी बेटा मेरा बड़ा जो है वो बड़ा इंटरेस्टेड इन सारे चीज़ों को, लाजमी सी बात है चीज़ें घर से इंसान सीखता है और वो चीज़ों को देख रहा होता है, तो वो हमेशा अपनी ख्वाहिश भी जो है वो ख्वाहिश भी इस तरीके से होती है। हमारे पास ऐसा होता है कि कई ख़वातीन, कई ऐसे लोग हैं जो अपनी कंप्लेंस, लोगों की शिकायत, मसले मसाइल अपने लेके अप्रोच करते हैं घर पे, तो घर पे अप्रोच करते हैं। जी जब घर पे अप्रोच करते हैं तो फिर लाजमी सी बात है वो फिर जो है मुझे वीडियो लिंक पर लेके वीडियो कॉल करके सुन रहा होता है, सुना रहा होता है। 12 साल का है माशाल्लाह से, लेकिन अगर उसके साथ अगर आप बैठे हैं तो आपको लगेगा शायद वो उसकी मेंटेलिटी 17-18 साल उसकी मेंटेलिटी है। अच्छा माशाल्लाह, लेकिन फिर मैं ये पूछूंगी कि अटैचमेंट उसकी ज़्यादा है या कंपनी किसके साथ है, आपके साथ ही है? हाँ जी, अटैचमेंट उसकी मेरे साथ ज़्यादा है। जी हाँ, उसकी अटैचमेंट मेरे साथ ज़्यादा है ना, वही सारे जर्म्स ट्रांसफर हो रहा है ना। बस वो मैंने बताया ना कि वो क्या करता है, जब भी खासतौर पर हमारे जो शोज़ होते हैं TV पर खासतौर पर, तो वो अपने साथ सराउंडिंग में कई दोस्तों को लेके ना LCD पे दिखा रहा होता है या मोबाइल फ़ोन पे दिखा रहा होता है मेरे बाबा आ रहे हैं, तो वो कैच कर रहा होता है चीज़ों को कि बाबा मेरे जो है वो बात कर रहे हैं क्या पॉइंट पे, किस एजेंडे पे बात कर रहे हैं। तो चीज़ें वो घर से ही चीज़ें लोग जो है बच्चे सीखते हैं। करंट इश्यूज पर भी सारे हमारे पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इनफैक्ट अब तो उसको आपकी पॉलिसीज का भी आइडिया हो गया होगा, क्योंकि जब आप देखते हैं नाज़रीन जब पॉलिटिक्स के ऊपर ख़ास तौर पे अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो बड़ा पॉलिसी उनके पीछे होती है कि आपने उसके ऊपर बात करनी है, लिमिट्स भी होती हैं, बाउंड्रीज भी होती हैं। तो मेरा ख्याल है अब आपकी तरफ से उसको इजाज़त होनी चाहिए आगे पॉलिटिक्स में तो आने की। जी बिल्कुल आनी चाहिए, मैं समझता हूँ ये हूँ खिदमत कर फ़कीरों की मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। और मेरी ये सोच है कि वो थोड़ा सोशल वर्कर साइड पे चला जाए, थोड़ा सा सिविल सोसाइटी साइड पे चला जाए और लोगों तक कोशिश ये करें, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लीड कर ही रहा हूँ चीज़ों को, मसाइल हल कर सकता हूँ। जो इश्यूज़ हैं इस मुल्क के अंदर ख़ासतौर पे जो आजकल जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो भी चल रही हैं चीज़ें, तो ख़ास तौर पे ये कि आपकी तरह से आए तो ना सियासत में, ख़ास तौर पे अगर वो अज़्म उसके पास है, जज्बा है और वो चाहता है। तो बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं, लेकिन फिर टाइम हो गया मैं ब्रेक कर, देखते रहिए शाम में फैस, अभी वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम फैस, बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हो भी चुकी हैं हंसी मजाक की। मैं कुछ इंस्पिरेशन की तरफ और पॉलिटिकली किस तरह से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और उसके पीछे हर चीज़, जब इंसान ख़ास तौर पर सियासी जमात का इंतखाब करता है तो कोई ना कोई ऐसी एक चीज़ होती है पॉइंट जो उसको क्लिक किया होता है, उसके बारे में कुछ शेयर करें। बात यह कि पूरी दुनिया ने जो है वो देखा, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एक लीडर था जिसका नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था, और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कुछ इस पाकिस्तान को दिया और जो उनका कॉन्सेप्ट था, एक बात उन्होंने एक तकरीर के अंदर कही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वो घर जहाँ से पानी गिरता है तो समझ लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकुन वहाँ मौजूद है। और वो नज़रियात पर जो उन्होंने काम की, इस मुल्क की जो खिदमत की, तो उनकी जो विजन था, जो उनकी एक थिंकिंग थी, जो उनकी सोच थी, जो भुट्टोइज़्म था, उसको मद्देनज़र रखते हुए फिर एक तवील दस्तान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सारी तमाम जो चीज़ें थी उनसे ही इंस्पिरेशन मिली। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है,
और उसके बाद फिर लाजमी सी बात एलीट किया मुहतरमा बेनज़ीर ने, फिर इसी तरीके से मुल्क के अंदर एक कुर्बानियाँ किसी अगर जमात की एक तहवील का कुर्बानियाँ हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, फिर इसी तरीके से मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो। तो ये जो एक तहवील हिस्ट्री है इस जमहूरियत की खातिर, इसको मद्देनज़र रखते हुए फिर इस वक्त नौजवान क़यादत की अगर बात करें तो इस वक्त लीडर अगर है तो वो बिलावल भुट्टो ही है नौजवानों का, वरना तो यहाँ बाकी तो लीडरान जिन्होंने कहा था नौजवानों का लीडर तो वो लोग देख ही रहे। अच्छा तो मैं, लेकिन अब बड़ा आपने भी ऐसा टॉपिक कह दिया, मैं इस पर सिर्फ ये पूछूंगी कि ठीक है यानी पॉलिटिक्स के अंदर भी आए, पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया, लेकिन समटाइम्स और ख़ास तौर पर सबकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है ना फील्ड्स, ये तो जब तक पॉलिटिक्स में कोई आता नहीं है उसको अंदाज़ा नहीं होता। आपके ऊपर ख़ास एक जिम्मेदारी आ गई, वो है टीवी चैनल्स पे जाकर कैमरा फेस करना और फिर चैनल्स के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स के जो डिफरेंट उसके हैं पार्टीज़ के लोग उनको डिफेंड भी समटाइम्स आपको करना पड़ता है, और कुछ ऐसा भी होता है कि वैसे पता है इमोशंस यहाँ से अटैचमेंट है कुछ बरक्स आपके बात आ गई और उस पर कभी लड़ाई भी हो जाती है, किस तरह से संभालते हैं या मेंटली अब हो चुका है कि हाँ मैं यूज़ टू आदत हो गई है, सब कुछ माइंड बना कर जाता है। ये तो अब मौजूदा जो हालात बने हुए हैं या फिर जैसे माहौल उस माहौल के हिसाब से फिर जो है वो गुफ्तगू का जो है वो बात भी होती है, वहाँ एजेंडा जो भी है उस पर डिस्कस किया जाता है। बिलावल साहब चाहते हैं कि नौजवान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो आगे आएँ, और ये उन्हीं के इनायत है, उनकी मेहरबानी है कि वो ख़ास तौर पर कुछ लोगों को उन्होंने चुना है तो अल्लाह पाक ने हज़ारों की तादाद में, लेकिन स्पेशली ये मैं माशाल्लाह से कहूँगी, और वैसे भी हमारे देखने वाले नाज़रीन जानते हैं कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किस तरह से नुमाइंदगी करते हैं और किस तरह से अच्छी बुरी कोई सी बात दूसरी पार्टी की तरफ से भी आई तो उसके ऊपर भी, क्योंकि जब सियासत में होते हैं तो दोस्ती तो सबसे होती है, लेकिन उस वक्त जब बात हो रही होती है तो उस वक्त आपको अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करनी है, बहुत सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जो आपको डिस्टर्ब भी कर रही होती है। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पार्लियामेंट की बालादस्ती है और रूल ऑफ लॉ की बात करती है, तनकीद करो तनकीद बरा असलाह करो, और कोशिश ये रहती है कि जब डिबेट हो रही हो डिबेट के अंदर जो सामने हमारा कंपटीटर होता है कंपटीटर कोशिश करता है कि वो गलत को सच बोले, और हम लोग सच जो है लाजमी सी बात है सच की बुनियाद पर हम बात करते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं कई ऐसे हमारे टॉक शोज़ जो होते हैं उसमें डिबेट इस हद तक चली जाती है कि तू मैं और मैं तेरी ना, लेकिन कोशिश ये रहती है कि माहौल ठीक रहे, अल्लाह ना करे माहौल डिस्टर्ब ना हो। और ख़ास तौर पे तो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो लोग हैं वो ख़ुद कहते हैं कि नहीं भाई हमारा फाइटर है, और जहाँ जिस टॉक शोज के अंदर जाता है बोलती हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें फिर हम मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेट हमारा होते होते ना बिल्कुल उस पर आ गया करंट अफेयर्स पर, फिर जब आप बातें स्टार्ट करते हैं मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इससे मज़ीद इतनी सारी चीज़ों में बात करूँ, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी है वाइंड अप की तरफ जाना है। मैं चाहूँगी कि एक तो मैसेज आप यूथ के लिए भी और हमारी आवाम जो भी मुश्किल चल रही है पाकिस्तान में एक मैसेज वो भी दें, और हमारे नए चैनल के लिए भी फैज़ टी वी के लिए भी। पहले तो आपको आपकी पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, और क्योंकि जर्नलिज्म का जो अगर मैं बात करूं वो चौथा सत्तून है मुल्क के अंदर, ये जर्नलिस्ट ही हैं, ये कैमरा मैन ही है, क्योंकि मेरे भाई इस वक्त खड़े हैं, कहीं आग लग जाए कहीं तूफ़ान आ जाए कहीं खुदा ना खास्ता इस माहौल ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए कि जहाँ जान बचाना मुश्किल हो, लेकिन बात ये है कि जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म ताल्लुक रखने वाले ताल्लुक जो रखते हैं वो कैमरा हाथ से नहीं छोड़ते, हमने देखा है। और अगर घर में तकरीब हो घर में कोई अल्लाह ना करे इंसिडेंट हो जाए कोई परेशानी हो बीमारी हो तो हाथ से कलम नहीं निकालते। तो मैं तो समझता ही हूँ मेरी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आपके वेलकम को उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फेस चैनल जो है वो तरक्कियों की बुलंदियों को छुएगा, और यूथ के लिए मैसेज यही है क्योंकि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जो है वजूद में आया जुमे का दिन 27 रमज़ान, और पाकिस्तान से अगर बात करें पहली से पंजाब काफ से कश्मीर सिंध से सिंध तेलिफ नून तान बलोचिस्तान ये खूबसूरत मंदा है पाकिस्तान, इसमें हर नस्ल के लोग हर जो है तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुख्तलिफ जो है वो जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन हमें इस मुल्क की बेसिकली इसके साथ वफा करनी, और वफा उसी वक्त हो सकती है जब हम एक होंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे हमारे अंदर यूनिटी नहीं होगी। आज कश्मीर का जो इशू बना हुआ है इस वक्त जो चेचिनिया बोसिनिया शाम क्या इश्यूज़ हैं वो भी आप देख रही हैं, लेकिन उनमें क्या है यूनिटी नहीं है एक नहीं है, हमें बासियत कौम बनना पड़ेगा। ये मुल्क कायज़म ने कौम बना के जो है वो आज़ाद करवाया था, तो आगे भी इसको हम आगे लेके जाएंगे कौम बन के। इसके साथ बहुत बेहतरीन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मैं खास तौर पर आपको अपनी टीम की तरफ से मेरी तरफ से ये देना चाहूँगी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और ये एक और दफ़ा ताकि आपको फैज़ टी वी की और हमारी याद दिलाते रहे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की तो मैं चाहूँगा कि ये अजरक आपको दी जाए।
नाज़रीन देख रहे हैं, आज हम मेहमान बन के आए हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम के मेहमान ही हैं, लेकिन अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए मुझे खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा नाज़रीन साहब। थैंक यू जी, बिल्कुल, क्योंकि आप लोग आए हैं, आपकी पूरी टीम आई है, और मैं समझता ही हूँ कि एक अच्छी रवायत है और इस रवायत को आपने कायम दायम रखा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं समझता ही हूँ कि जहाँ आपको ज़रूरत पड़े तो हम आपके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। यकीन है कि आपने हमेशा की तरह आज भी हमारा प्रोग्राम बहुत इंजॉय किया होगा। आपकी खूबसूरत शाम को आज हमने एक और खूबसूरत मेहमान के साथ मज़ीद खूबसूरत बनाया। देखते रहिए शाम में फैज़। आपकी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, फिर एक खूबसूरत शाम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।